सरकार जहां पूरे प्रदेश को शौच मुक्त होने का दावा कर रही है, तो वहीं देहरादून से मेयर और बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने दावे की पोल खोल दी। विनोद चमोली ने कहा कि प्रदेश में कई जगहों पर शौचालय की भारी कमी है, जिसको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार देहरादून में 1000 नए शौचालय बनाने जा रही है, जिनका काम दिसंबर 2017 तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिसके लिए 60 वार्डों का सर्वे किया जा रहा है और वो जारी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश सरकार पर कई सवाल खड़े कर रही है। देखिए, देहरादून को ODF हम लोग कर रहे हैं, 18 वार्डों को हमने किया है, बाकी वार्डों का मेरा सर्वे चल रहा है और हम लोग अधिक से अधिक शौचालय यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों ने अप्लाई भी किया है और जहाँ लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो हम वहाँ सर्वे कराकर उन जगहों को चिन्हित कर रहे हैं और वहाँ पर शौचालय बनाने का प्रयास। बहुत सारे मदरासी कॉलोनी में 150 से अधिक ऐसे परिवार निकले हैं जहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं, मैंने टेम्परेरी शौचालय तक वहाँ लगाए हैं, उससे काम चल रहा है, तो उनको मैंने चिन्हित किया। ऐसे और भी बहुत सारे निकल रहे हैं।